नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम जो है वो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो काफी टाइम से पास नहीं कर पा रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो इसको पहली बार में पास करके अपनी जल्दी से जल्दी जॉब लेना चाहते हैं। अगर आप भी सीटेट का एग्जाम इसी बार पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि आज की वीडियो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको काफी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से जो भी इसको एग्जाम को पहली बार देने वाला है उसका एग्जाम काफी आसानी से पास हो सकता है, और जो अभी तक एग्जाम देता आ रहा है लेकिन उसका पास नहीं हो रहा है वो भी इसको इस बार आराम से पास कर लेगा। आज की मैं जो जो बातें आपको बताने वाला हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस और उसके आधार पर जो भी आपको करने के लिए बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप इधर उधर बहुत जगह पढ़ते रहते हैं और अपना टाइम आधे से ज्यादा वहीं खराब कर लेते हैं, इस वजह से जब आपका जो एग्जाम होता है उसमें आप अपना बेस्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी कि ऐसा नहीं है कि हर एक कोई पूरा पूरा सीटेट में 90 नंबर से ही रह रहा हो, किसी के 60 आते हैं तो किसी के 70 और किसी के 80, और आपको जाना कहाँ पर है, 90 तक। तो इन 90 नंबर तक की जो दूरी है ये ज्यादा दूर नहीं है आपसे। किसी की 10 नंबर चाहिए, किसी को 20 नंबर चाहिए, किसी को 30 नंबर चाहिए, अगर इतने इतने नंबर आपके आ जाए तो आप आसानी से पास कर सकते हो। अब बात यह आती है कि आपके ये 30 नंबर कहाँ रुक रहे हैं, ये 20 नंबर कहाँ रह जाते हैं, 10 नंबर कहाँ रह जाते हैं। जब आप इतने 60 और 70 80 नंबर ला सकते हो तो आपके 90 नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वही मैं आपको, ये जो अंतराल है 30 नंबर का, ये 20 नंबर का, इस अंतराल को कैसे दूर करें। ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा सीटेट जो उसमें है कुछ भी नहीं आता, आपके इतने नंबर तो आ रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, आधे से ज्यादा नंबर आ रहे हैं आपके, 60 आ गए, अब आपको बस 30 लाने थे, यहाँ पर आपको 20 लाने थे। और बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो 82 ले आएंगे, 84 ले आएंगे, 88 ले आएंगे, लेकिन उनके 90 नहीं आ पा रहे हैं, तो वो इतने नजदीक जाकर भी क्यों रह रहे हैं, आज वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो सब बताने से पहले आप देख सकते हैं मेरा ये रिजल्ट। इसमें ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस है, जब मुझे कुछ नहीं पता था सीटेट के बारे में, एबीसीडी भी नहीं पता थी, ना उसका सिलेबस पता था, कुछ नहीं पता था। तब ये मेरा पहली बार अपना फर्स्ट अटेम्प्ट है ये मेरा, तो ये पहला अटेम्प्ट मेरा देख सकते हैं आप। इसमें मेरे पीआरटीए 97 है और जो जूनियर का एग्जाम है उसमें 94 है। तो एक न्यू स्टूडेंट या फिर किसी को बिगिनर कह सकते हैं आप, जिसने पहली बार सीटेट का एग्जाम दिया हो, उसके हिसाब से इतने मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने कहीं से कोई गाइडेंस नहीं लिया, कहीं से अगर मुझे कोई मेरे जैसा बताने वाला होता तो मैं काफी आसानी से ये जो 97 और 94 है इनको 110, 120 आराम से स्कोर कर सकता था। लेकिन आज आप सबके साथ मैं हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका ये सीटेट दिसंबर वाला पास होना ही होना है। अगर इस वीडियो को कोई बच्चा नहीं देख रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये 18 लाख अभी तक इसमें फॉर्म भर चुके हैं, इन 18 लाख में से हर बार 9% 10% बच्चे पास होते हैं, तो इसका अगर 10% भी मान लीजिए तो 1,80,000 ही पास कर पाएंगे इस एग्जाम को, इसके अकॉर्डिंग जो अभी तक इसका हर साल डाटा आता है उसके अकॉर्डिंग। तो 1,80,000 ही बच्चे क्यों पास कर पा रहे हैं 18 लाख में से, क्या ऐसी मिस्टेक रह जाती है उनसे जिसकी वजह से उनका पास नहीं हो पाता है। तो आज मैं ये आपका जो गैप है उसको दूर करने की बात करूंगा, ये इतने कम बच्चे क्यों पास हो रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कैसे पास हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कैसे पास हो, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने जो अपनी 2019 में तैयारी की थी उसके लिए मैंने इन बुक से तैयारी की थी, ये आप देख सकते हैं, ये 2019 वाली बुक है। ऐसे ही अब इसका अपडेट वर्जन आ चुका है 2024 में, जो एग्जाम हुआ है जुलाई वाला वो भी आ गया है, जो उससे पहले हुआ था जनवरी में वो भी आ गया है। तो जितने भी जो अभी मोस्ट रिसेंटली एग्जाम हुए हैं सीटेट के वो सारे इन बुक में हैं। अब इस बुक से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट इसलिए मिलता है कि आप अगर कहीं भी अभी कोचिंग पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आपको क्या है, उस क्लास में डेली एक दिन में एक टॉपिक भले ही करा पाए, वरना 2 से 3 दिन लगा देते हैं एक टॉपिक कराने में, तो आपके 2 से 3 दिन में एक टॉपिक हो पाता है आपका, एक टॉपिक। अब आप 2-3 दिन में एक टॉपिक कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद अगले 3 से 5 दिन में दूसरा टॉपिक कर पाएंगे,
ऐसी कर करके सीटेट में हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक हैं, फिर लैंग्वेज में भी पेडागोजी आ जाती है, फिर ऐसे कर करके आप जितने भी कर पाते हो आपका आराम से 4 से 5 महीने इसी में निकल जाते हैं और उतने में आ जाता है आपका एग्जाम। अब जब एग्जाम ही आ गया तो फिर आप कहाँ से उसके जो तैयारी है वो आप कहाँ से करेंगे, इतने टॉपिक आपने इतनी मुश्किल से पूरे टॉपिक भी नहीं कर पाते हो आप और एग्जाम भी आ जाता है आपका। तब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं एक ही बार में इस बुक से, जो 150 क्वेश्चन की आपको 150 एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। इन एक्सप्लेनेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है और इन्हीं से अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपको सीटेट के बारे में जो भी उसकी पूरी थिंकिंग है, 150 क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आते हैं, आपको वो सब समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये 150 क्वेश्चन अच्छे से करे तो आपको सीटेट का जो पूरा एग्जाम है उसके बारे में एक ही बार में सब कुछ पता पड़ जाएगा। और जब आप एक बार में जान जाएंगे कि सीटेट में क्या आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उस सब्जेक्ट में भी जो अंदर का जो टॉपिक है वो टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं और जो उसकी पेडागोजी है सब्जेक्ट की वो किस तरह से पूछी जाती है, आप एक एक बात को काफी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप खुद से इन 150 क्वेश्चनों को उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। जो अभी मैंने आपको बुक दिखाई उसमें हर एक क्वेश्चन के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। ऐसी और भी बुक आती हैं जिनमें उनकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, लेकिन सबसे बेस्ट बुक मुझे यही लगती है घटना चक्र की, इसलिए मैंने ये आपको सजेस्ट की है। अब बात करते हैं दूसरी। हम एक तो ये बात रही कि आपको सबसे पहले ये करना है। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि आपकी जो पेडागोजी है वो और जो आपका कंटेंट बेस्ड है वो कंटेंट और पेडागोजी, तो आपको ये पता करना है कि आपका इन दोनों में से वीक क्या है, जो आपका वीक है आपको वो अच्छे से पहले पढ़ना है। तो आपको कंटेंट और पेडागोजी में जो आपका वीक सब्जेक्ट चल रहा है वो आपको सबसे अच्छे से पहले पढ़ना है। उसके बाद आपको फिर ये देखना है कि कंटेंट अगर आपका वीक है तो आप पहले कंटेंट पढ़ेंगे, लेकिन पढ़नी आपको पेडागोजी भी है। अगर आपकी पेडागोजी वीक है तो आपको पहले पेडागोजी पढ़नी है फिर आपको कंटेंट पढ़ना है। जो आपका सबसे ज्यादा वीक है उसको डेली और बार बार पढ़िए, दिन में कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए इन्हीं PYQ से। और अगर आपको पता है कि आपके दोनों में ही वीकनेस है तो आपको डेली हर एक सब्जेक्ट के दोनों टॉपिक पूरे पूरे 30-30 क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपको लगता है कि एक मेरा टॉपिक बहुत अच्छा है तो आप उस टॉपिक को भले ही दिन में एक बार पढ़ें, लेकिन ऐसा ना करें कि उसको पूरा का पूरा स्किप कर दें, नहीं आपको वो भी पढ़ना है। हमारी यही गलती होती है कि हमको जो सरल लगता है हम उसको बिल्कुल नहीं पढ़ते और जो कठिन लगता है उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते, उसको इधर उधर YouTube पर या फिर कहीं और क्लासों में ढूंढते हैं, किसी के नोट्स देखते हैं। सीटेट के लिए आपको कहीं किसी के नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो PYQ हो चुके हैं इतने सारे वही आपके लिए सबसे बेस्ट काम करेंगे। जो नोट्स हैं वो आपको इस बुक्स की हर एक जो क्वेश्चन आएगा उसी से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो जब आपको इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं तो आप इधर उधर जाकर क्यों परेशान हो रहे हैं और क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं। इसी टाइम खराब करने की वजह से ही आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको मैं बता दूं ये बात, अगर आपको आज तक किसी ने बता दी हो तो आप मुझे बता देना कि सीटेट को आप बहुत आसानी से पास कर सकते हो। ये जो आपका हर बार जो मैंने अभी बताया था कि आपका जो गैप रह जाता है 20-30 नंबर का, 10 नंबर का, 5 नंबर का, वो क्यों रह रहा है? वो इसी वजह से रह रहा है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपका कंटेंट में दिक्कत है या पेडागोजी में दिक्कत है, और फिर जो दिक्कत है आप उसको दूर करने के लिए कर क्या रहे हो। जब तक आप खुद से अपना दिमाग नहीं लगाओगे इसमें एग्जाम के लिए और इसके PYQ को खुद से नहीं समझोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। अगर अभी मैं या कोई भी एक्सपर्ट आपको समझाता है तब आपको उतनी देर के लिए समझ में आएगा, लेकिन उसके 2-4 घंटे या 1 दिन 2 दिन बाद आप फिर उसे भूल जाएंगे। और जब तक आप खुद से नहीं कर पाएंगे तब तक वो किसी काम का नहीं है। तो समझना भी आपको खुद से ही है, एक बार जब आप खुद से पढ़ेंगे उसको समझेंगे तब आपको उसकी एक एक चीज क्लियर होंगी, आपके माइंड में बैठेगी। तो आपने अगर ये सब कर लिया तो आपका सीटेट का एग्जाम इस बार वाला काफी आसानी से पास होगा। तो आपको खुद से नोट्स भी बनाने हैं इन 150 क्वेश्चनों से, उसकी एक्सप्लेनेशन से, और ये भी समझना है कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन और कैसे कैसे
सॉल्व करे आ रहे हैं, किस कैसे कैसे वो क्वेश्चन उन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये सब कर लिया तो आप सीटेट को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए आप इनको डेली करिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको बिल्कुल भी अजीब ना लगे, डर ना लगे कि ये मैं एग्जाम देने आया हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। आपको बिल्कुल डर ही नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।